जीवन लेकर आमरो मानवी उछाड़ी उड़िया जाति कल्पना पड़ा जाए पारिब नाई। महानदी महाप्रतारणा माँ बोली संबोधन करी सावत माँ भली व्यवहार ब्यारेज करुछि छत्तीसगढ़ जलका होई चाही रही ओडिशा। जल विवाद समाधान पाई ट्रिब्यूनल गठन को पूरिला पांच वर्ष हेले फलस्वरूप वर्षा छाड़िले वर्ष सारा सुखिला पड़ुछि ओडिशार जीवनरेखा। महानदी जल विवाद मामला नहीं गठन होता ट्रिब्यूनल कार्यकाल सरीगला किंतु बाहरी पारानी समाधान बाट। 2016 आरंभ होता महानदी जल विवाद महानदी उपर मुंटे छत्तीसगढ़ सरकार पक्षर् बहु संख्यार बंध और ब्यारेज निर्माण पर ओडिशा सरकार नीत भांगी। राज्य सरकार सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ होगा 2018 मार्च 12 तारीख में विवादर समाधान पाई केंद्र जलशक्ति मंत्रालय पक्षर् महानदी ट्रिब्यूनल गठन होता जार कार्यकाल तीन वर्ष समाधान रास्ता न बाहरी पारु आहरी 2 वर्ष को वृद्धि करा थिला। चलित वर्ष मार्च 12 रे ट्रिब्यूनल गठन को 5 वर्ष पूरी शेष होइछि महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल अवधि किंतु एबे भी जल विवाद समाधान हो पारि नाही। छत्तीसगढ़ सरकार ब्यारेज परे ब्यारेज निर्माण करी जल संरक्षण करुछंती पटे मरुभूमि भ्रम सृष्टि करुछि सुखिला महानदी। सेपटे ट्रिब्यूनल को राज्य सरकार का आभिमुख्य उपरे प्रश्न उठाई जल विशेषज्ञ रंजन पंडा। ट्रिब्यूनल गोटे समाधान बाट एक्चुअली नुहे सरकार जिते भी टाइम बाउंड करूँ से गोटे बुझामणा स्थित को आसवापी साहाज्य करिपारे बट से भी समय लगे। ओडिशार न्याय छत्तीसगढ़ न्याय आउ गोटे जिनस नदी गोटे न्याय खोजुच मानते तार कंजर्वेशन केमती हम से बंची केमती रही तो से हिसाब से मुझे भावुची गोटे व्यवस्था गोटे समन्वय व्यवस्था सृष्टि करने कथा। आलोचना को ना कले ट्रिब्यूनल पाई जीत धरिले ट्रिब्यूनल रे विवाद रो अंत हुए नाही जहार बड़ उदाहरण हेउछि कावेरी कृष्णा रावी जल विवाद। एपटे महानदी जल विवाद मामला नहीं गत 13 फेब्रुआरी ट्रिब्यूनल रे 35 शुणाणी शेष होइछि। आसंता मार्च 15 तारीख रु महानदी अवबाहिका क्षेत्र परिदर्शन करि पारंती ट्रिब्यूनल। प्राय 1 सप्ताह धरी अवबाहिका परिदर्शन करिबे ट्रिब्यूनल सदस्य उभय राज्यर वैषयिक टीम एवं आसेसरमाने आलोचना करि क्षेत्र परिदर्शनर स्थान चूड़ांत करिबे। क्षेत्र परिदर्शन परे विचार प्रक्रिया एवं साक्ष्य ग्रहण आरंभ हेब आवश्यक पड़िले एरियल सर्भे मध्य कराजिबो। 25 मार्च रे मामलार परवर्ती शुणाणी कराजिबो। उभय राज्य सरकार छत्तीसगढ़ रे भी राज्य सरकार एवं ओडिशा राज्य सरकार पूरा बहुमात्रिक मनोभाव चलीजे सरकार को दाबी करूँ जे तार उपरे शीघ्र पदक्षेप नहींकर जमी महानदी रो ग्रीन महानदी हो रही पार्बा जमी जल संपूर्ण हो रही पार्बा से तार प्रति ध्यान दौ ना पूरा निश्चय जन आंदोलन हाँ आर इतार लगे सरकार पूरा दायी रेबे जन आक्रोशर शिकार हे। छत्तीसगढ़ तो तार काम करी आमर ओडिशा सरकार कि राजनीतिक मानने विषमता जो पश्चिम ओडिशा प्रति आमर ट्रिब्यूनल कार्यक्षम ही नहीं पार्बा कि आर जदि सरकार से जल पतन उपर के तमाम करवार लगे से चेकडैम मैंने या कथा बारंबार से दावी ही आसूचे चाषी संगठन तरफ तार सागे सागे ग्राउंड व्टर लेवेल तल्के तल्के दिन दिन जा सरकार दृष्टि देवा कथा। महानदी तल मुंटे ब्यारेज निर्माण नक कारण बर्षा दिन समुद्र को बही जाऊँगी 52% वर्षा जल यह रोकवा को मास्टर प्लान सह 7टी बड़ ब्यारेज और 30टी स्थान में नदी मध्य जलाशय करने को 2017 घोषणा कर गोधनेश्वर देवका कपासीरा खैरमाल सुबलया मणिभद्रा मुंटली भली 7टी स्थान में ब्यारेज निर्माण करने को घोषणा होता हेले निकटने महानदी अवबाहिकार खैरमाल गोधनेश्वर और कपासीरा ब्यारेज निर्माण नुहे खैरमाल गोधनेश्वर केवल इनस्ट्रीम स्टोरेज निर्माण पर योजना रही विधानसभा उत्तर रखिंट जल संपद मंत्री जहां सरकार धोका को पदारे पकाई।
सुवर्णपुर सत्यव्रत प्रधान और संबलपुर मलय भईं सुरेन्द्र पारिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।